नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सलमा खानम। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश की शुरू हुई 49वीं परिक्रमा, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, राजस्थान सहित एमपी के लोगों ने की शिरकत। पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में हुआ 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन, भिड़ावा क्षेत्र के कुंडला प्रताप गांव का है मामला। मुख्य मार्गों पर फैला कीचड़ और गंदगी, ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, पीड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत नोलाई का है मामला। पीड़ा उपखंड के गांव उन्हेल में हुआ 2 दिवसीय 12वीं समारोह का आयोजन, बैंड बाजों सहित गांव के प्रमुख मार्गों से निकाली शोभा यात्रा। पांच दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का हुआ आयोजन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत निकाली रैली, झालावाड़ जिले के कामखेड़ा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजित। परवान चढ़ने लगा भवानी मंडी का बसंत मेला, खरीददारी करने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, बच्चों ने के लिए संडे बना फंडे। आरटीएम के पदाधिकारियों के खिलाफ करवाया धोखाधड़ी का मामला दर्ज, एक व्यक्ति ने लगाया 15 लाख रुपए नहीं देने का आरोप। हरियाणा से एक लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार, पिड़ावा पुलिस की टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। पिड़ावा पुलिस ने हरियाणा से एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। पिड़ावा पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर निवासी बालू सिंह पुत्र मांगीलाल ने गत वर्ष 23 सितंबर को दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि मध्य प्रदेश के सुसनेर थाना क्षेत्र के श्यामपुरा निवासी भीम सिंह, उज्जैन थाने के कच्छालिया वासी उदय सिंह व बड़ौद थाना क्षेत्र के बनोटी गांव निवासी अर्जुन सिंह ने 1.5 लाख रुपए लेकर छत्तीसगढ़ निवासी युवती रानी से उसका नाता विवाह कराया था, लेकिन विवाह के 6 माह बाद ही तीनों आरोपी रानी सहित उसके घर से आभूषण व 50,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व चोरी का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर सूरजमल हेड, कांस्टेबल शक्ति सिंह, कांस्टेबल मुकेश कुमार, दिलीप मीणा, महिला कांस्टेबल अनिता ने हरियाणा के गुड़गांव जिले के बहादुर शाहपुर से आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे अकलेरा न्यायालय में पेश किया गया। झालरापाटन में द्वारकाधीश भगवान की 49वीं परिक्रमा आज सुबह मंगलनाथ आरती के साथ शुरू हुई। द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति की ओर से इस परिक्रमा का आगाज किया गया। गुलाल अबीर के साथ 3.5 कोसी इस परिक्रमा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। द्वारकाधीश मंदिर में सुबह दर्शन आरती शुरू हुई। इसमें शामिल होने के लिए झालावाड़ जिला ही नहीं बल्कि कोटा, बूंदी, बारा और एमपी के श्रद्धालुओं ने भी शिरकत की। नाचते गाते डीजे की धुनों पर इनके थिरकते पांव परिक्रमा में 4 चांद लगा रहे थे। 3.5 कोसी परिक्रमा में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी ने इसमें भाग लिया। सवेरे से परिक्रमा शुरू हुई जो लगभग 12 बजे खत्म होगी। श्रद्धालुओं की रास्ते में स्वागत सत्कार किया गया, इनके खाने पीने की माकूल व्यवस्था की गई। परिक्रमा खत्म होने के बाद भगवान द्वारकाधीश के केसरी घटा के दर्शन होंगे। मैं स्वागत बोल रहा हूँ।
लगातार 17 वर्षों से चली आ रही यह परिक्रमा मंदिर शिवद्वार का देश की उत्पत्ति 50वीं परिक्रमा है। यहाँ पर दूर दूर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से यात्री हर परिक्रमा में पधारते हैं। साल की 3 परिक्रमा पर शिवद्वार का देश की कृपा से शिवद्वार का देश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति करते हैं। कौन सी परिक्रमा आप कब से आए आते रहते हैं? ये 39वीं परिक्रमा है उजाला पाटन के इतिहास द्वारकाधीश की भूमि में। हमेशा लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस फंक्शन में और परिक्रमा में भाग लिया। आप भी हमेशा भाग लेते हैं परिक्रमा में? बिल्कुल साहब, हर परिक्रमा में भाग। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, जैसे कोई मतलब द्वारिका नगरी हो जाती है। पिड़ावा क्षेत्र के कुंडला प्रताप गांव में पतंजलि योग समिति एवं योग प्रचारक प्रकल्प हरिद्वार के तत्वाधान में निशुल्क 5 दिवसीय योग शिविर प्रारंभ हुआ। शिविर आयोजन योग प्रचारक राम प्रसाद चौधरी ने बताया कि शिविर के प्रथम दिन योग शिविर में युवा, वृद्ध, बच्चों व महिलाओं ने भाग लिया। शिविर में योग प्रचारक द्वारा प्राणायाम, मुद्रा, एक्यूप्रेशर आदि का अभ्यास कराया गया। योग शिविर के बाद नशा मुक्ति और योग जागरण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आयोजक हरिमोहन बैरागी, शोभाराम सेन, लोकेश कमलेश बैरागी, दयाराम पाटीदार, वानीराम सेन, शंकरलाल पाटीदार, बालाराम पाटीदार, ब्रजेश पाटीदार, ओम प्रकाश सेन, घनश्याम बैरागी, रामगोपाल आदि बच्चों व महिलाओं ने भाग लिया। योग प्रचारक ने चौराहे पर ग्रामवासियों को नशे से होने वाली हानि व स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। पिड़ावा उपखंड के ग्राम पंचायत नोलाई के ग्राम यूपखेड़ी में मुख्य मार्गों पर फैल रहे कीचड़ और गंदगी से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपखेड़ी गांव के मुख्य मार्गों पर पक्की सड़क व नालियों के अभाव में ग्रामीणों के मकान से निकलने वाला गंदा पानी मार्गों पर फैल रहा है, जिसने कीचड़ की शक्ल अख्तियार कर ली है, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को निकलना दुभर हो रहा है। यही नहीं, गांव के श्री राम मंदिर के सामने भी कीचड़ व गंदगी फैली होने से यहां दर्शन करने आने वाले ग्रामीणों को काफी दिक्कतें आ रही है। एक ओर जहां केंद्र व राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों पर ऐसी गंदगी दिखाई देना आम बात है। ऐसे में दोषी वह अधिकारी और कर्मचारी है जो स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिड़ावा तहसील के ग्राम उन्हेल में 2 दिवसीय 12वीं समारोह का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर महिलाओं ने बैंड बाजे के साथ गांव के प्रमुख मार्गों से कलश यात्रा निकाली, जिसमें सभी संतगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भवानी मंडी चेयरमैन पिंकी गुर्जर रही, जबकि अध्यक्षता झालरापाटन उप प्रधान गोपाल लाल मेघवाल ने की। विशेष अतिथि उन्हेल सरपंच सीमा दांगी रही। मंच अतिथियों में लालचंद जिला अध्यक्ष मेघसेना, मंडल महामंत्री भाजपा विनोद वर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पन्नालाल वर्मा, कालूलाल एवं पूर्व सरपंच फूलचंद पृथ्वी अंबेडकर, शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल वर्मा, महिला मोर्चा की जिला मंत्री सपना वर्मा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मेघवाल युवा परिषद भगवान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष छात्र परिषद दिनेश मेघवाल, छात्र परिषद जिला अध्यक्ष ईश्वर मेघवाल, राष्ट्रीय मेघवाल युवा परिषद जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार मेघवाल, प्रदेश संगठन मंत्री बिरमलाल मेघवाल, जिला महामंत्री कमलेश, ढोलक मास्टर अनिल वर्मा, लालचंद कोठरा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल वर्मा ने किया। सभी अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सम्मानित मंच, कारूलाल जी पूर्व सरपंच साहब। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कस्बे के प्रमुख मार्गों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जल संरक्षण के नारे लगाते हुए कस्बे के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। रैली बालाजी मंदिर स्थल पर पहुंची, जहां पर छात्र छात्राओं ने सबालाजी दर्शन करके बालाजी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की। वहीं कामखेड़ा शिविर आयोजित कैंप में मनोहर थाना क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। स्काउट गाइड डुलीचंद आर, लक्ष्मी नारायण वर्मा, रमेश चंद चौधरी, कृष्ण गोपाल टेलर आदि मौजूद थे। वहीं संस्था प्रधान रामलाल मीणा ने बताया कि छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए कैंप के माध्यम से शारीरिक परिश्रम और आत्मबल आदि प्रशिक्षण सिखाया, जिसमें कि छात्र छात्राओं को संपूर्ण जानकारी मिल सके। वहीं पहाड़ी स्थल पर भी बच्चों को भ्रमण कराया गया। इसमें बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में कई विभिन्न जानकारियां दी गई।
इस मौके पर समस्त छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया स्वच्छ भारत मिशन का और संरक्षण और पर्यावरण को बचाने का। भवानी मंडी शहर में चल रहा बसंत मेला रविवार को परवान चढ़ने लगा, जहां मेले में काफी भीड़ देखने को नजर आई। वहीं रविवार का दिन होने से शहरवासियों व बच्चों ने मेले का काफी लुत्फ उठाया। झूले, चक्री और खाने पीने वालों की दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिली। रविवार का दिन बच्चों के लिए फंडे बन गया। गौरतलब है कि शहर में स्थापना से पूर्व से ही यह मेला बसंत पंचमी पर भरता आ रहा है। पहले यह मेला पशुओं का भरता था, मगर आज धीरे धीरे पशुओं के कम होने से मेले का अस्तित्व फीका पड़ने लगा। किसी समय में इस मेले में 1 किलोमीटर तक पशु ही पशु नजर आते थे, मगर आज वो बस 3 दिन ही नजर आते हैं। यह पशु मेला धीरे धीरे मनोरंजन का साधन बन गया, जहां मनोरंजन के लिए झूले, चक्री, खाने पीने सहित कई मनोरंजक प्रोग्राम भी होने लगे हैं और आज इसका स्वरूप पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। भवानी मंडी पुलिस ने एक जने की रिपोर्ट पर राजस्थान टेक्सटाइल मिल पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक उषा कॉलोनी निवासी सीताराम नवाल ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 2 दिसंबर 1995 से 1 मार्च 2016 तक आरटीएम मिल में काम किया है। इस दौरान ग्रेजुएटी व पीएफ के 38 लाख व अन्य दायित्वों के 15 लाख रुपए कुल 53 लाख रुपए मिल को देने थे, लेकिन मिल ने उसके रुपए नहीं दिए। कई बार मांगने पर उसको मिल ने पीएफ की ही राशि दी, लेकिन अन्य दायित्वों की राशि नहीं दी गई, जिसके चलते मिल पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।